गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज है डे टू अंकल को ड्राइविंग सिखाने का। तो अभी जा रहा हूँ अंकल को ड्राइविंग सिखाने के लिए और उसके बाद जल्दी से वापस आऊँगा, एक से दो राउंड करवाऊँगा और उसके बाद मैं जल्दी से वापस आऊँगा और उसके बाद हम लोग जाएँगे साइट। और आज हमारा जो अम्बलीडी वाला साइट है वहाँ का ब्रिक वर्क भी हमें चालू करना है और साथ में अपना जो राजेंद्र नगर वाला साइट है वहाँ पर जो टाइल्स वाले का जो काम हुआ है ना उसमें हमको जो रिपेयरिंग का काम करना है वो वाला काम भी करवाएंगे। तो चलिए पहले जल्दी से अंकल के पास पहुंचते हैं और अंकल को गाड़ी चलाना सिखाते हैं, फिर जल्दी से वापस आते हैं अपन। चलिए भैया, अंकल के घर पहुंच गया हूं। पता नहीं अंकल क्या साफ सफाई कर रहे हैं या सामान पूरा निकाल रहे हैं। चलो अब चलते हैं अंकल के साथ में और गाड़ी बाहर निकालते हैं और फिर उसके बाद अपन ड्राइविंग पर निकलेंगे। तो भाई अंकल गाड़ी साफ़ सफाई कर रहे थे, साफ़ सफाई हो गया, फिर उसके बाद अभी गाड़ी को रिवर्स करके अपन ने निकाल भी लिया है। तो नाली के ऊपर मैं ना अंकल सोच रहे कि जो अपना जाली है ना वो बनवाते हैं करके, ताकि गाड़ी को थोड़ा दबा के लगा सके और वहीं पे गाड़ी को रिवर्स करने में प्रॉब्लम ना हो बोल के, तो उसी के लिए डिस्कशन चल रहा है अभी अंकल का। तो ये डिस्कशन के बाद अपन निकलेंगे, गाड़ी ड्राइव करेंगे। एक बार हॉर्न बजाना ताकि कोई अगर उड़ा के लेके आ रहा होगा गाड़ी को अपना, और जब भी ब्रेक मारोगे ना ये कम स्पीड में है तो क्लच भी दबाना ना, अभी नहीं। हाँ वो तो मोबाइल चला के आ रहा है, गिट्टी रेती कुछ भी आ रहा है ना तो अपन देख के हिसाब से इधर ले लीजिएगा, और गड्ढा भी आएगा सीधा उरकुरा चलते हैं वहां से। हाँ वहां से अपन मोड़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गड्ढा है, हल्का सा स्लो कर दो बस। तो यहाँ से हम लोग गाड़ी घुमा के वापस जा रहे हैं, तो मैं गाड़ी घुमा के दूंगा अंकल को अभी और उसके बाद अपन निकलेंगे घर के लिए। हाँ अंकल गाड़ी का? हाँ एवरेज नहीं नहीं वो नहीं हो रहा हूँ। हाँ गाड़ी कितना किलोमीटर चल रहा है वो चेंज हो जा रहा है। हाँ वो ना ये एवरेज है, ये अभी जो दिखा रहे ना ऊपर में 13.5 वो एवरेज है, वो मैं आपको बताऊंगा ना गाड़ी कितना किलोमीटर अभी तक चला कोई। वो सब दिखेगा ना आपको, सब दिखाऊंगा आपको, बैठो ना मैं गाड़ी घुमाता हूँ। तो भाई गाड़ी घुमा के तो आ गए अपन अभी, तो यहाँ से फिर से अब अंकल जो है ना घर तक चलाएंगे। यहाँ मोड़ने में दिक्कत है भाई, यहाँ पे जाके इतना ट्रक वगैरह आ रहा है और छोटा सा एरिया, यहाँ पे मोड़ेंगे तो फिर गड़बड़ ना हो जाए इसलिए, है ना। तो चलो अब चलते हैं घर तरफ। सीट बेल्ट लगा लो आप। कैसा लगा, कॉन्फिडेंट लग रहा है कि नहीं? आज कॉन्फिडेंट लग रहा है ना। हाँ तो बस कल और लग जाएगा आपको थोड़ा, मतलब गाड़ी चलाने की हिम्मत आ जाए। बाकी ये गियर शिफ्टिंग और ये सब चीज़ें जो है ना अपन धीरे धीरे करते जाएंगे, अभी गाड़ी को संभालना सीख लो पहले, क्योंकि ये मोटी गाड़ी को जज करना भी जरूरी है, जजमेंट जरूरी है सबसे ज़्यादा। तो गड्ढा गुड्ढी में थोड़ा सा आराम है ना, वरना शॉकअप में काम बैठ जाएगा भाई। अभी हम लोग पहुंच गए घर, अब गाड़ी अंदर करते और निकलते अपन अपने घर। इसको बांधने का कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, ये ले इसको बांधने का कुछ जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ना, ये कम से कम पीछे में। और मैं अंकल ये सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, ये वाला जो है ना बहुत गंदा भी होता है ना और मजा भी नहीं आता है, एक तो फिसलते रहेंगे अपन, फिसल जबरदस्ती डाला इसको मतलब सब कुछ सब डालते रहेंगे। तो भाई अब गाड़ी अंदर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद अपन निकलेंगे घर, चाय वाय पियेंगे, फिर उसके बाद अपन जाएंगे साइट नहा धो के। चलो अंदर करते हैं गाड़ी को। अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, ये देख अपनी थनु। चलो भाई अब जाते हैं घर। भाई चाय जल्दी पीना जरूरी है, ठंडी लग रहा है, और उसके बाद अपन जाएंगे साइट। मैं पहुंच गया हूं भाई घर, और मम्मी देखो जिमी को घुमा रही है, और मम्मी जिमी को घुमा रही है, मम्मी को जिमी घुमाने का काम है। स्कूबी को मम्मी नहीं घुमा सकती क्योंकि स्कूबी खींचाताची करता है, जिमी खींचाताची नहीं करता है, वो चलता है साथ में, इसलिए मम्मी जिम्मी को घुमा रही है, और जिम्मी को कम से कम 3 से 4 बार घुमाना ज़रूरी हो जाता है।
अपने को। मम्मी आने के बाद अब चाय वाय पीऊँगा, फिर उसके बाद निकलेंगे अपन। ये देख रहे स्कूबी का क्या हरकत है, ये देखो ये सब करके रखा होगा। अभी सबसे बड़ा एक चीज़ करना बाकी है, वो है मैं ऊपर जा रहा हूँ अभी गार्डन में, और वहाँ पे अपना जितना भी मिट्टी है उसको अपन खोद लेते हैं, और मिट्टी खोदने के बाद जो है ना उसमें अपन खाद डालेंगे। तो ड्राइविंग का काम तो अभी का हो गया है, अब मिट्टी खोदने का काम करते जल्दी से, और फिर उसके बाद अपन जो है ना खाद वाद डाल के पानी थोड़ी देर के बाद डालेंगे, नहीं तो शाम तक डाल देंगे, लेकिन पहले खाद डालते हैं अपन। ठीक है चलो। तो भाई सारे गमलों का मिट्टी जो है ना खोदने का काम अपन ने कर दिया है। ये देखो ये पूरा मिट्टी ना खोद खाद के इसको ऐसे रख दिया हूँ, अब इसमें ना खाद डालते हैं, है ना। ये देखो सब में हो गया है, अब चलो खाद लेके आते हैं नीचे से और खाद डालना चालू करते हैं जल्दी से। ये देखो स्कूबी को देखो कैसे छुपके से बैठे, क्या इसको डालेंगे पहले अपन, जो गुलाब है उसमें नहीं डालेंगे इसको, इसको बिना गुलाब वाले में डालेंगे सब। तो भाई ये है गुलाब वाला खाद, है ना, आप इसको डालते हैं गुलाब में। ये वाला खाद जो है मैंने बाकियों में डाल दिया हूँ, अब गुलाब वाले में अपन इसको डालते हैं, है ना, गुलाब वाला काम करते हैं। तो अभी अपन सारे पौधों में जो है ना खाद डाल दिया है, और ये नमक भी डाला है। ये देखो ये अपन नमक भी लाया था, तो ये नमक भी डाला है अभी अपन ने सारे पौधों में। ठीक है, अब इसके बाद अपन थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना सब में छिड़क देंगे। जो खाद अपना गुलाब का है वो गुलाब में डाला है, और जो नॉर्मल वाला जो खाद है जो बाकी फूलों में डालना था उसको नॉर्मल वाले फूलों में डाल दिया है। अब नीचे में एक दो गमले और है उसमें भी डाल देंगे बाकी बचा हुआ। तो भाई मैं नहा धो के रेडी होके अब जा रहा हूँ साइट, और साइट में जाके अपन देखते हैं वहाँ पे काम जो है लोगों ने कितना चालू कर दिया करके, और कितना कम्प्लीट हुआ करके। दोनों साइड में अपन ने काम करवाना चालू कर दिया है, और राजेंद्र नगर वाला साइट का जो क्या बोलते हैं अपना जो स्कर्टिंग वगैरह जो है ना उसको उन लोगों को बोला था कि रिपेयर करने के लिए, तो उन्होंने रिपेयर कर दिया है सवेरे, वो भी एक बार जाके चेक कर लेंगे, कुछ कमी होगा तो फिर अपन उसको भी ठीक करवाएंगे। चलो अब चलते हैं अपन साइट, और साइट में जाके जो है ना कामकाज पूरा देख के आते हैं। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ गीताजली नगर वाले साइड में, और यहाँ पे अभी अपने बंदे लोग जो है ना स्लैब हाइट का जो जोड़ाई है वो जोड़ रहा है, उसके बाद अपन शटरिंग करना चालू कर देंगे, और शटरिंग के बाद जो है ना अपन लोहार से लोहा बंधवाएंगे, नहीं तो अपन खुद ही बांध लेंगे, और उसके बाद इसका जो ढलाई का काम है वो चालू करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लैब हाइट जो है ना वो जोड़ रहा है, और मौसम भी ख़राब होते जा रहा है, बारिश का मौसम बन रहा है, देखो अच्छा खासा बारिश का मौसम जो है ना बनते हुए आ रहा है। भाई क्या मौसम बिगड़ रहा है भाई, देखो तो यार क्या मौसम है, देखो पूरा देख रहे हो बादल ही बादल हो गया है, ठंडी तो भैया अब फटेहाल बढ़ने वाला है। स्वेटर वेटर धोने के लिए डाल दिया हूँ, और अब पता चल रहा है अब सूखने वाला नहीं है, बारिश हो जाएगा, हो गया गड़बड़ फिर तो, आज गड़बड़ घोटाला होने वाला अपने साथ में। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से गीतांजलि नगर वाला साइड से अमलीडी वाला साइड में, और अमलीडी वाला साइड में पहुँचने के बाद अपन जाएंगे राजेंद्र नगर, क्योंकि राजेंद्र नगर में दो काम है, जो अपन ने काम किया था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं करके एक चेक करना है, और एक क्लाइंट है जिनको राजेंद्र नगर वाला साइड दिखाना भी है, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना अपने को अभी करना है। तो भाई अपना अमलीडी वाला साइड का स्लैब खुलना चालू हो गया है, और ये शुरुआत का ये देख लो यहाँ पे ये बॉटम खोल रहा है, और ये अपना यहाँ का नीचे का जो प्लाई है वो खुलने के बाद कुछ इस तरीके का देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ओके है पूरा अपने तरफ से, और ये वाला स्लैब भी जो है ना ये भी ओके है, और इस तरफ का स्लैब भी ओके है। तो अभी मैं अमलीडी वाला साइड से निकल रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है जो हमारा राजेंद्र नगर वाला साइड देखना चाहता है ना वो आ चुका है, राजेंद्र नगर का मेन रोड में खड़े हैं, तो उनको लेके अब हम जाएंगे राजेंद्र नगर वाला साइड दिखाने के लिए। तो चलो अब मिलता है क्लाइंट से वहाँ पे राजेंद्र नगर में। भाई मेरे पीछे पीछे अभी क्लाइंट आ रहा है, आप देख सकते हो ये ऑटो के पीछे में है,
देखो ऑटो के पीछे जो हेलमेट लगाया ना, ये देखो ये वाला, ये क्लाइंट अभी अपने साथ आ रहा है, तो इनको मैं अभी दिखा देता हूँ साइट। इनको कुछ डिज़ाइन वगैरह देखना है, वो एक बार देख लेंगे ना तो फिर उनको भी संतुष्टि हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन भी भैया को इन्फॉर्म कर देंगे कि उनको कैसा लगा करके। इधर हमारा पोर्च, ഇത് രണ്ട് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ പാർട്ടി ഇച്ചിരി ഡൗൺ, ഈ പാർട്ടി ഇച്ചിരി അപ്പ്. ഇത് നമ്മുടെ ഹാൾ, സം ഡൈനിങ്, കോമൺ ടോയ്ലറ്റ്, ഇത് കോമൺ ടോയ്ലറ്റ്, ഈ ബെഡ്റൂം വിത്ത് അറ്റാച്ച് ബാത്റൂം, ലൈറ്റ് അവൈലബിൾ അല്ല, അറ്റാച്ച് ബാത്റൂമിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് കിച്ചൺ, നമസ്കാരം, ഈ കിച്ചൺ है ना, इधर वॉश एरिया विद टैंक, वाटर टैंक ഉണ്ട് അവിടെ, വിത്ത് വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ്. പിന്നെ ഇത്രയും നമ്മൾ ഭിത്തി മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം അത്രയും വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഗ്രില്ല്, അത് കാരണം ഗ്രില്ല് വെച്ച് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യും. ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇച്ചിരി ഏരിയ, സ്റ്റോർ ഏരിയ പോലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ, ഫർണിച്ചർ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഭൈ क्लाइंट देख के चले गया है, अभी अपने हिसाब से रिपोर्ट देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है इनको, क्योंकि इनको चाहिए इनका बेडरूम छोटा करके किचन को बड़ा करना है, तो उसके हिसाब से इनको जो है ना सारी चीज़ें बता दिया हूँ, मेजनाइन दिखा दिया हूँ, मेजनाइन रखना है नहीं रखना है, अब ये अपने घर में फाइनल फैसला बाद में करेंगे. तो भाई अभी मैं साइड से वापस आ रहा था तो याद आया, जब घर तरफ मुड़ा ना तब याद आया मेरे को कि सामान लेना छूट गया करके, तो मेरा ड्राई क्लीनिंग के कपड़े लेना है मुझे, यहाँ राशन दुकान से सामान लेना है और स्टेशनरी दुकान से सामान लेना है और उसके अलावा बिजली दुकान से भी सामान लेना है, तो ये सारे दुकान के सामान है जो है ना मैं भूल गया था, तो अभी जा रहा हूँ ये सब सामान लेने के लिए, फिर उसके बाद इसको लेके आते हैं फिर घर पहुँचाते हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है, आप देख सकते हो बाहर में अभी बारिश हो रहा है. तो भाई अपना ड्राई क्लीनिंग का कपड़ा अपने को मिल गया है, ये 7 कपड़े दिया था ड्राई क्लीनिंग के लिए, तो ये हो गया ड्राई क्लीन. ये मिलना था 25 तारीख को और मैं खुद ही लेट हो गया, मालूम है, 2 दिन से आज ले लूँगा करके सोचता रहा लेकिन लिया नहीं. चलो अब लेते हैं यहाँ से सामान राशन दुकान से. तो भाई अपना राशन का सामान ये है, इतना राशन का सामान ले लिया है, शार्पनर ये वाला लिया, रॉकेट वाला, और ये सेलो टेप लिया, को चाहिए था ये वाला सेलो टेप लिया हूँ, और ये मैं अपने काम के लिए लिया हूँ. 2 चीज़ें हो गया अपना यहाँ पे, अब चलते अपन लाइट लेने के लिए. तो भाई अपना बल्ब वाला काम भी हो गया, सेलो टेप का काम हो गया, और मेरा शार्पनर का काम हो गया, और चूहा चिपकाने का, ये सारे चीज़ें हो गया सामान. अब अगर कुछ भूल गया होगा तो बाद में देखेंगे, लेकिन बाकी सब सामान तो ले लिया हूँ ऐसा लग रहा है. एक आध सामान तो कुछ ना कुछ तो भूल ही गया होगा, हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ, कोई ना कोई सामान मैं भूल जाता हूँ, मालूम है यार. चलो भाई अब चलते हैं घर और ये सब सामान दे देते हैं निर्धारित जगहों पे. आज वरना हम दूध पाउडर नहीं लेके जाऊंगा ना तो मम्मी मेरे को घर के अंदर घुसने नहीं देगी, वापस मेरे को भेजेगी, फिर बोलेगी जा लेके आ दूध पाउडर. तेरे को कितने बार बोली हूँ मैं दूध पाउडर लेके आ लेके आ लेके आ करके, तू सुनता ही नहीं है, ऐसा बोलेगी.